हाय गाइस वेलकम बैक। तो क्या हाल है आप सभी के? तो आज भाई मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन होने वाला है क्योंकि आज है तुम्हारे भाई का बर्थडे। तो भाई स्पेशल दिन तो हो गई क्योंकि मेरा बर्थडे है। तो आज सबसे पहले मैं मंदिर जाने वाला था लेकिन मंदिर जा नहीं पाया क्योंकि मैं लेट हो गया था, 1 बज गया था जब तक, इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो फिर शाम को चलेंगे मंदिर। और अभी देखो, अभी तो मैंने आउटफिट नॉर्मल सी पहन रखी है, ब्राउन हुडी पहन रखी है, नीचे लोअर पहन रखा है। हुडी के नीचे वैसे मैं वाइट जीन्स पहनूंगा। ये वाइट जीन्स फिलहाल मैंने अभी यहाँ पे रख रखी है क्योंकि भाई पहन तो लोगे इसको आप, लेकिन इसकी देखभाल करना ऐसा होता है जैसे एक बच्चों की देखभाल करना होता है। क्योंकि वाइट जीन्स में अगर थोड़ा सा भी दाग लग गया ना तो वो छूटता नहीं है, तो इसलिए बहुत देखभाल केयर करनी पड़ती है इसकी। डे की आउटफिट तो यही रहने वाली है, ब्राउन हुडी और वाइट जीन्स। और जो रात की आउटफिट रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा तकड़ी होने वाली है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकड़ी ड्रेस पहनने वाला हूँ, जो बॉबी देओल सर ने एनिमल मूवी में पहनी थी, ऑल ब्लैक कोट पैंट। मैं आसपास फोटो लगा दूंगा, या तो इधर लगा दूंगा या इधर लगा दूंगा। सेम आउटफिट पहनने वाला हूँ, रात को हम करेंगे पार्टी दोस्तों के साथ। तो चलो फिर अब चलते हैं बाहर और बाहर थोड़ा घूम के आते हैं। अभी हम आए हैं धूप सेकने दोपहर को। भाई बर्थडे पे धूप सेकनी बहुत जरूरी है, डी लेना जरूरी है। हाँ यार, बर्थडे पे विटामिन डी ले लो। आपको भी दिखाता हूँ कौन कौन है पार्क में। आंटियाँ धूप सेक रही हैं, स्कूल की छुट्टी भी हो गई है। वैसे कुछ भी कहो, मौसम आज बहुत बढ़िया हो रहा है अजीत भाई। सर्स की मौसम। हाँ यार देख लो, तुम्हारे भाई का बर्थडे और 3-4 दिन से एकदम घटा और बारिश सब कुछ हो रही थी, लेकिन आज मौसम देखो कितना कैड़ा, भगवान जी ने भी कह दिया आज तो बढ़िया मौसम करेंगे, मज़ा आ रहा है। थैंक यू भगवान जी, इंग्लैंड वाला मौसम हो रहा है। अच्छा, मैं राहुल का इंतजार कर रहा हूँ इतनी देर से, पता नहीं राहुल कहाँ चला गया है। कह रहा था अभी आ रहा हूँ, तो बहुत देर हो गई उसे देखते देखते। ये क्या कर रहे हो? आई नहीं रही यार, देखियो। दाढ़ी से याद आया, मेरा बीएड चैलेंज चल रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैं रोज़ फोटो डालता हूँ, जाके ज़रूर देखना। बीएड 6 महीने का बीएड चैलेंज चल रहा है और भाई की भी मैं उगवा रहा हूँ। मैंने कहा दाढ़ी रखो, पहले रखते नहीं थे लेकिन अब कह रहा हूँ अब रख रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं मंदिर, पहले जाएंगे राम मंदिर, उसके बाद बालाजी मंदिर जाएंगे, तो उसके बाद फिर पार्टी करेंगे क्योंकि भाई सबसे पहले तो भगवान जी है ना। क्योंकि सुबह नहीं जा पाया था मैं, तो अब चलेंगे, रात को चलेंगे। तो आपको भी दिखाता हूँ कैसा है हमारे यहाँ का मंदिर, पहले राम मंदिर है फिर बालाजी। ठीक है, भूत भूत ना आ जाए, पीपल का पेड़ है। नहीं आ रहा यार, पीपल के पेड़ पे नहीं आता। अच्छा, अमरूद के पेड़ पे आता है। अच्छा जी, नीचे सिर्फ इतना ही था, अब ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं आपको। राम मंदिर तो मैंने आपको दिखा दिया, अब हम चल रहे हैं बालाजी मंदिर। अब बालाजी मंदिर दिखाते हैं आपको, ये राम मंदिर था जो आपको अभी दिखाया। जय बालाजी महाराज, जय हो बालाजी महाराज की, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा दूर दूर से। ये है हमारा बालाजी मंदिर, हनुमान मंदिर, बाहर से ऐसा दिखता है। और यहाँ पे हम पल्ली जूते उतारेंगे। यहाँ पे पहले जूते जमा करवा लें, उसके बाद चलते हैं फिर अंदर। मिल गया टोकन, चलो। अगर आपको प्रसाद वगैरह लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर हाथ धो लें जरा, चलो। देखो भंडारे की लाइन कितनी लंबी है, ये कह रहे हैं कि पहले भंडारा खाने चल रहे। नहीं यार ऐसे मत बोल भाई। जय
अरे भाई चप्पल लेने के लिए लाइन कितनी बड़ी लग रही है यहाँ पे। असली मेहनत तो यहीं पे लगने वाली है। बालाजी मंदिर से मुझे ये फूल मिला है, रोज मैंने भगवान को चढ़ाया था और पंडित जी ने मुझे भी दोबारा दे दिया है। हनुमान जी ने दिया ना रोज, हनुमान जी ने मुझे वापस फिर कर दिया दूसरा, अपने आशीर्वाद के साथ हनुमान जी ने मुझे दूसरा दे दिया, मैंने चढ़ाया था तो उसके बदले में दूसरा मिल गया। बढ़िया बढ़िया भाई, एक बार राहुल भाई वाली बड्डे मैं सुबह से सोच रहे मिलेंगे मैं भी काम में व्यस्त हो गया, और जब मैं फ्री हुआ साले तू व्यस्त हो गया। बता यार, मैंने इसको पहले ही बोल दिया था 7 बजे तक आ जाइयो भाई, यहाँ से निकल लेंगे। मैं इसको ये बोल रहा था जब तू 7 बजे आया था तू हाफ डे पहले ही ले लेता। और क्या, इतना लेट आया है हाफ डे लेकर, तो ये हाफ डे थोड़ी होता है, ये तो फुल डे होता है। हम पहुंच चुके हैं शिफ्ट टिक्की वाले पे, अब हम पहुंच चुके हैं शिफ्ट टिक्की वाले पे। पीयूष भाई पार्टी देगा क्या क्या मंगाए भाई, है शिफ्ट टिक्की में चाट वाट जो मलाई चाप जो भी मंगाना है आ जाओ देख लो। मलाई चाप ले लो, मलाई चाप और क्या देख लो जो तेरा मन कर रहा है। मशरूम टिक्का आज राहुल को वो बना दिया हमने अपना हेड। अबे अब क्या बैंक अकाउंट खाली करके रहेगा मेरा है, अच्छा अभी तो स्टार्ट हुआ है, कह रहा है पूरी डील करानी सारा मामला खाली कर देगा। मैं तो ये सोच रहा था बालाजी का भंडारा खा लेते हैं, उसी में पार्टी हो जाती है ना। चलो और क्या, सस्ते में छोड़ रहा है ना, तो कहाँ ले जा रहा है पुड़िया बना के, तो ये जरूरत है। अच्छा खाने के बाद लगा तो और ऑर्डर करेंगे। सही है भाई, जगह खा के देखना, खाना बहुत बढ़िया बनता है। है भाई पैसे दिए नहीं तूने उसे, बेटा तेरे सामने है नोट। अलग ही स्टाइल है भाई का भी है। ले लो, ओहो मजा ही आ गया, पनीर डाल के है। देखो हम टिक्की कितनी बढ़िया लेके आए हैं, क्योंकि ये टिक्की से ही फेमस है ना, शिव टिक्की वाला। इसमें है पनीर है, धनिया है, लाल और हरी मिर्च है, बस मिर्च नहीं सॉरी लाल और हरी चटनी है। मेरे तो पहले ही मुंह में पानी आ रहा है, खाने के बाद देखते कितनी बढ़िया लगती है। मम्मी ओए होए मजा आ गया, क्या ही कहूँ मजा ही आ गया।